Good morning. सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द एमजे सागा फैमिली वंस अगेन। आज है डे फोर, वेयर वी हैव रीच्ड, कहां तक पहुंचे हैं हम, आप सबको पता है लास्ट व्लॉग से। टुडे वी आर लिविंग काजा, और काजा तक की जर्नी बहुत एडवेंचरस, ओनली वी नो एंड थ्रू आर व्लॉग्स यू कैन हैव अ जस्ट ऑफ इट। तो बहुत कुछ पता लगा होगा आपको। तो अब तक की जर्नी बहुत अमेजिंग थी। तो आपका सीन क्या है, अब आगे बढ़ते हैं टूवर्ड चंद्रताल, एंड चंद्रताल के रास्ते में लोसर आएगा, कुमजुम पास आएगा, एंड ऑल दीज थिंग्स विल मेक आर जर्नी वंडरफुल, एंड वी एक्सपेक्ट अ लॉट। हार्डेस्ट टेरेन होगा, वाटर क्रॉसिंग्स होंगी, तो वी आर ऑल प्रिपेयर्ड एंड पेप्ड अप फॉर दैट। तो अब जो है, जो सीन बचा है गाजा का, सो गाजा का हमने चीज, हम ब्रिज कवर कर लिया है, और हेड पोस्ट ऑफिस जो रह गया है वो हम कवर करने जा रहे हैं। इट विल टेक ओनली 45 45 मिनट्स इट विल टेक। वी विल कवर इट एंड वी विल हेड टूवर्ड्स चंद्रताल, एंड वो बहुत एक्साइटिंग जर्नी रहेगी हमारी चंद्रताल तक की, एंड वी बोथ नो कि हम वो कर पाएंगे। तो उसके अलावा थोड़ा सा मेरे को तबीयत में थोड़ा ऊपर नीचे लग रहा था, मे बी बिकॉज ऑफ हाइट्स, और मैं बहुत कम सोता हूँ, ऑफिस का भी कुछ काम था, आई वॉज डूइंग दैट, सो दिमाग हटता नहीं है ना यार। तो काम धंधे वाले बंदे हैं तो धंधा देखना पड़ता है टाइम टू टाइम, नो मैटर यू आर ऑन लीव्स। तो वेन यू हैव सच अ लविंग पार्टनर, शी ऑलवेज टेक्स केयर ऑफ मी, तो वो हमेशा मेरा ध्यान रखती है, एंड आई होप आपके पार्टनर्स भी ऐसे ही रखते होंगे, या जो भी आपकी गर्लफ्रेंड है, वाइफ है, कोई भी है, या मॉम डैड है, तो बहुत अच्छा लगता है। उसी के साथ आई एम ऑल कॉन्फिडेंट एंड पेप्ड अप टू टेक आवर जर्नी टू द नेक्स्ट लेवल। अब हेड पोस्ट ऑफिस चलते हैं, जल्दी से कॉफी पीते हैं, अगर यहाँ मिली तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना साहब, यार ओनर जो हैं या फिर जो केटर हैं वो जल्दी उठते नहीं हैं, ऑफ सीजन भी चल रहा है, तो यही हमारा ताबों में हुआ था, फोन करके मैंने उठाया था। अब यहाँ से देखते हैं, पैक हो गया सामान सारा, और दिस प्रॉपर्टी डिजॉर आई वुड पर्सनली रिकमेंड मी एंड जेस। सुपर अमेजिंग अमेजिंग डिजॉर इज योर डेस्टिनेशन व्हेन यू आर स्टेइंग इन काजा, हाईली रिकमेंडेड, नाइस ओनर। उसके बाद अब चलते हैं, पैक हो गया सामान, गाड़ी में लोड करते हैं क्योंकि लेट हो रहे थे, और सफ़र बहुत लंबा है, और कैंपिंग एक्सट्रीम वाली बची है अभी अभी, तो कुकिंग, टेंट, लाइट्स खोलनी है अपनी। और प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, जितने भी लोग देख के चले जाते हैं, प्लीज़ इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू दैट वी पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स गाइज, तो प्लीज़ शो योर सपोर्ट। आपका एक सपोर्ट ना बहुत मोटिवेशन देता है, नो मैटर इफ यू आर गुड और नॉट गुड, और इफ यू आर वेल और नॉट वेल। तो प्लीज़ कीप शेयरिंग आवर चैनल एंड शो द सेम लव दैट यू आर शोइंग, एंड लेट्स हेड टूवर्ड चंद्रताल। एंड उससे पहले पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी पोस्ट करते हैं, एक तिलक नगर और एक मेरठ। नहीं होगी, अरे यार मैं तो भूल गया गाइस, सीन ऐसा है कि वो 10 बजे खुलता है, तो हुआ क्या है कि मैं 10 बजे तक नहीं रुक सकता हूँ, क्योंकि भाई अपन को है जाना, तो हम 10 बजे तक तो नहीं रुक सकते हैं। चंद्रताल का डिस्टेंस जो है बहुत ही एक्सट्रीम टेरेन है, और मैं रिस्क नहीं चाहता, और इस होटल के जो ओनर हैं मिस्टर करणवीर, उन्होंने हमें रेकमेंड करा है कि अभी वहाँ बारिश हुई है कल, तो कल रास्ता बंद था, सो वी आर कीपिंग आर फिंगर्स क्रॉस्ड एंड वी होप कि रास्ता खुला हो, वी शुड रीच चंद्रताल, क्योंकि वो एक एक्सट्रीम डेस्टिनेशन थी जो हमारे चेकलिस्ट में थी। और लेट्स बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट होते हो तो जर्नी सक्सेसफुल होती है। उसके अलावा बहुत बातें हो गई हैं, कुछ पीते हैं और चलते हैं। तो रास्ते में मिलते हैं, सी देयर। अभी मैं खड़ा था, अभी निकल रहे थे हम हिक्किम पोस्ट ऑफिस के लिए, तो एक चीज़ मैंने नोटिस करी है जो आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। TPMS होता है मीटर, वो गलत रीडिंग शो करता है। वॉट आई सॉ इज 36-37 दिखा रहा था वो मीटर में, बट एक्चुअल में जब भैया ने चेक करा यहाँ पे, तो वो दिखा रहा है 20-21, जो कि बहुत कम है भाई। तो हमेशा जब भी मीटर कुछ दिखाए ना, डो नॉट डिपेंड ऑन इट, कहीं आप निकाल लो, खुद ही डिफ्लेट कर लो, विच विल क्रिएट प्रॉब्लम्स। तो ये एक टिप टू रिमेंबर है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ दैट, बिकॉज बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती है। अब मैंने पूरी 32 करवाई है, 32 में चलाता हूँ। तो फाइनली वी आर ऑन द वे टू हिक्किम पोस्ट ऑफिस, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, जहाँ से आप चिट्ठी पोस्ट कर सकते हो। तो रास्ते थोड़े से रफ हैं, द टेरेन इज ऑलमोस्ट ब्रोकन, अब देखते हैं आगे कितना आगे तक ये टेरेन रहता है। तो रास्ते तो उबड़ खाबड़ वाले ही हैं, क्योंकि थोड़ा सा तो सही था, टारमैक था,
बट अब ये टेरेन जो हो गया वो टूटा फूटा सा हो गया है। और एक चीज और, पोस्ट ऑफिस जो है ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई पे, अगर आप काजल से इसकी तरफ आ रहे हो तो बिल्कुल पहाड़ के पीछे ये स्टीप इंक्लाइन टेरेन है, जिसकी वजह से हालांकि टाइम तो लगता नहीं यार, मुश्किल से मैं चढ़ा और अब मेरे को ये 22-23 मिनट दिखा रहा है। तो अभी आए हैं तो करके जाएंगे, अब चाहे टेरेन ऐसा हो या वैसा हो। ये देख रहे हो आप, मतलब रास्ते, ये रास्ता देखो भाई, मतलब क्या ही बोलूं। यहाँ पे भी पोस्ट ऑफिस बना रखा है किसी ने, ये भी बहुत बड़ी बात है। इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, इतने बड़े बड़े माउंटेन्स और ये कोलार माइंस, बिल्कुल बजरी वाली रोड देखो। रास्ते इतने खतरनाक हैं, जान में जान आ जाएगी पहुंचूंगी तो। अब राइट में खाई, कभी लेफ्ट में खाई, बीच में तो मैं भगवान का नाम ले रही हूँ मनी, सच में आपको पता भी नहीं है। भगवान तो हर जगह है, जहाँ देखो वहाँ भगवान। दुख 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 ऐसे हो रहा है। थोड़ा सा डर भी लगता है, बट उसके साथ बहुत कॉन्फिडेंस भी फील होता है कि यार लोग जब यहाँ पहुंच सकते हैं तो अपन भी पहुंच सकते हैं। बट यार व्यू देखो यार, मतलब बिल्कुल गीजा के जो पिरामिड है ना, बिल्कुल वाली फील आ रही है। इससे खतरनाक तो क्या ही करेगा कोई इंसान, मतलब नेक्स्ट लेवल भाई। बट भाई जो भी कहो, व्हीकल अपना प्रॉपर ही लाना, अगर यहाँ अगर खराब हो गई कोई चीज, वरना जाने के रहोगे ना आने के, ये भी एक फैक्ट है। क्योंकि जिस तरीके का टेरेन है, मतलब यहाँ ना बंदा है ना बंदे की जात, और घर वालों को पता लग गया ना कि ऐसी जगह पे आए हैं तो बस लाइसेंस ही छीन लेंगे गाड़ी का। क्यों जे? मम्मी ने बोला ही था मुझे कल, तुम्हें जाने की क्या जरूरत है ऐसी जगहों पे। मैंने कहा मम्मी बस जाना है, एक बार देखना है क्या है। यही तो जुनून होता है यार। कुछ चीजें होती हैं जो आपको इवॉल्व करती हैं। इवॉल्व होने का मतलब ये नहीं होता कि यू आर स्टडिंग, आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो। इवॉल्व इंसान अंदर से होता है, अपनी सोच से होता है, कॉन्फिडेंस से होता है। तो ये सब चीजें आपको अंदर से इवॉल्व करती हैं, और क्या पता आपको भी नई चीज मिल जाए अपने अंदर जिससे आप अनजान थे। क्योंकि भाई ये हर कोई तो नहीं कर सकता, टू बी ऑनेस्ट, बट वी आर फॉर्चुनेट कि वी हैव गॉट अ चांस टू कवर इट। और बस 10-1 मिनट की दूरी पे है भाई साहब, वो देखो यार बस में से कितना धुआं निकल रहा है यार। भाई उसका टायर वायर तो नहीं फट गया कुछ? नहीं नहीं, ये साइलेंसर, साइलेंसर में से निकल रहा है इतना धुआं। इसमें तो लोग भी होंगे ना, क्या पता। नहीं, ये तो खाली बस है। अच्छा खाली बस है, अच्छा उसने आगे कर लिया, चले क्या? चलो चलो। निकल जाएगी। हाँ करो थोड़ा सा लेफ्ट, आपके यहाँ से हो जाएगी। करो लेफ्ट करो बोल रहे वो, करो 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 करो। हाँ हो जाएगा हो जाएगा, करो 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 हो जाएगा। भाई जी ये पोस्ट ऑफिस किधर है? वो जो वहां पर कुछ झोपड़ी सी दिखाते थे, अच्छा वहां पे चिट्ठी जहाँ डालते हैं वो यही था और कुछ नहीं है। अच्छा फाइनली वी मेड इट टू द वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस, जो कि मेरे सामने है, अभी दिखाता हूँ। एंड जो मजा आ रहा है, रोड्स बहुत खतरनाक थी, बहुत स्कैरी रोड्स थी सच में। तो अब हम इस नजारों का लुत्फ उठा रहे हैं, और कसम से यार ऐसी चीजों को देखता हूँ ना तो लगता है यार ये भी एग्जिस्ट करती है नहीं करती। तो हेयर फॉर यू गाइस, जोरावर ये खड़ी वर्ल्ड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस के साथ, ये लिखा भारतीय डाक विभाग, विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित शाखा डाकघर हिकिम में आपका स्वागत है। तो वी मेड इट टू दिस डेस्टिनेशन एंड इट्स अ प्राउड फीलिंग। हाइट है इसकी 14,567 फीट,
और मीटर्स में देखोगे तो 4,440 मीटर्स, जो कि एक बहुत बड़ी रिकॉर्ड है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। एनजे, व्हाट इज द फील भाई साहब? भारत कहाँ कहाँ सबसे आगे भाई। कल हमने चिचिम ब्रिज देखा, वो भी वर्ल्ड हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज। आज हमने पोस्ट ऑफिस देखा, वो भी वर्ल्ड हाईएस्ट पीक पे। क्या बात है, रास्ते कैसे थे ये बताओ? मत पूछो। लड़की फुल डरी हुई है, बट ये देखो नजारा यार। ये छोटा सा आपको दिखता है गुंबद, जैसे आप हिक्किम पहुंचते हो सामने आपको हर्ट्स दिखेंगे, 15-20 हर्ट्स हैं। अगर आप ये देखो यहाँ पे आपको ये नजारा दिखेगा, फ्लैग्स और ये वाइट कलर के घर हैं इनके। अगर आप देखोगे तो ये हिक्किम विलेज है और ये वैली है यहाँ पे, एंड दी माइटी पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस भी रेड है और जेने भी रेड पहनी है, मुझसे मांग के मेरे बहुत कपड़े पहनती है ये, बिकॉज शी इज माई पार्टनर। सो जे थोड़ा डांस करके दिखा दो, भंगड़ा पाके दिखा दो। होय होय होय, चलो भाई ये रहा आपका पोस्ट ऑफिस। जरावर बहुत खुशी हो रही होगी तेरे को, एंड हमें उससे ज्यादा, तो वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। जर्नी अभी आगे बढ़ानी है, हमें चंद्रताल कवर करना है, वक्त हो रहा है, वक्त कितना हो रहा है, 8:22 हो चुके हैं। तो इस नज़ारों के साथ, इस वैली के साथ और अपनी जोरावर के साथ कारवां आगे बढ़ाते हैं और अलविदा कहते हैं इसको कुछ टाइम के लिए। और लेटर्स भी अगर आपको पोस्ट करना है तो यहाँ के आप कर सकते हो। ये 10 से 4 बजे तक खुलता है, 10 से 4 बजे तक का इसका टाइम है, एंड लंच ब्रेक इज बिटवीन 1 to 2। और लंच ब्रेक भी होता है भाई 1 से 2 बजे तक, तो ऐसा कुछ हिसाब है। ऑफिस चेयर टेबल सब है, छोटा है, सांस फूल रही है मेरी, हाइट पे हूँ क्योंकि भाई 14,000 हाइट पे हूँ, तो ऐसा कुछ पोस्ट ऑफिस है ये, चिट्ठियाँ हैं। और चलो प्रस्थान लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, चलो फोटोज लेते हैं जोरावर की यहाँ पे आराम से। सो फाइनली पोस्ट ऑफिस इज डन, पोस्ट ऑफिस हो चुका है और हाइट भी देख ली, पोस्ट ऑफिस भी देख ली, चिट्ठी नहीं पोस्ट कर पाया, बस ये मलाल है, बट अगली बार पूरा होगा ये भी। क्यों जे? मैं नहीं आऊंगी दोबारा, इस बार तो बर्फ में आना है। चलो गाइस ये तो मस्ती होती रहेगी। अब प्लान ऑफ एक्शन ये है कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स चंद्रताल। चंद्रताल से पहले लोसर आएगा, कुंदम पास आएगा, टफ टेरेंस आएंगे। अभी चाय भी नहीं पिए साला, कुछ चाय की तलब लग रही है क्योंकि भाई सुबह से कुछ खाया नहीं है, चाय नहीं पी क्योंकि जल्दी जल्दी कवर करना था, क्योंकि आगे भी बढ़ना है चंद्रताल की तरफ, और जे को भी थोड़ी बहुत भूख लग गई है और चाय की तो भाई जरूरत दोनों को है, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चाय पीते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या एडवेंचर आता है रास्ते में, क्योंकि कैंपिंग भी प्रॉपर वाली करी नहीं है, तो वी आर जस्ट प्लानिंग आउट। दूसरा ये है कि भाई काश हमें तो एटीएम भी खराब ही मिले, एटीएम चलने को ना दे कोई, तो ये बहुत इश्यू है कि कैश अच्छा खासा रखना पड़ता है। क्यों जे? सच बताएं हमारे पास तो लिमिटेड कैश है, बट देखते हैं कैसे होता है। देखो यार पेटीएम कार्ड सब है, बट क्या है ना कैश भी कितना रखोगे, तो मैक्सिमम कैश लेके निकले थे हम, बट फिर भी टाइम टू टाइम जब कैश खत्म हो रहा हो एटीएम दिखे तो वहां से ले लो, दैट इज माय पर्सनल ओपिनियन। क्योंकि भाई आगे चंद्रताल जैसी जगहों पे मुझे नहीं लगता कि वो पेटीएम या कार्ड एक्सेप्ट करेंगे, तो कैश हमेशा रखो। इसी के साथ आगे मिलते हैं।